कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ संख्या 8 गिरधर की कुंडलिया का सारांश पढ़ा दिए हैं और लिखित मौखिक प्रश्नों का उत्तर भी समझा दिए हैं। लिखित प्रश्न का उत्तर आज समझाना है, बिना सोचे समझे कार्य करने से क्या क्या हानियां होती है। तो बिना सोचे समझे कार्य करने से गलत कार्य संपादित हो जाता है, जिससे संसार में लोग हंसी उड़ाते हैं, फलस्वरूप चयन और सम्मान नहीं मिलता है, अपनी गलतियां मन में हमेशा खटकती रहती है। दूसरा, कवि के अनुसार धन से अधिक महत्वपूर्ण क्या है और क्यों? लिखित प्रश्न का उत्तर समझा रहे हैं, कवि के अनुसार धन से अधिक महत्वपूर्ण क्या है और क्यों? दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है, कवि के अनुसार धन से अधिक महत्वपूर्ण मीठे वचन है, क्योंकि विनयपूर्वक मधुर आवाज में बात करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। प्रश्न 3, कोयल और कौवा का उदाहरण देकर कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है? तो कोयल और कौवा का उदाहरण देकर कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोयल की आवाज़ मीठी होती है, जो सुनने में अच्छा लगता है, अर्थात लोगों को भाता है, और कौवा की आवाज़ कर्कशा होती है, जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, अतः विनयपूर्वक मधुर आवाज में बात करनी चाहिए, जिससे मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है। 4th प्रश्न है, तीनों कुंडलिया में जो आपको सबसे अच्छी लगी उसका सार लिखें। तो तीनों कुंडलिया में मुझे पहला कुंडलिया सबसे अच्छी लगी, इसका सार इस प्रकार है, बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम बिना विचारे काम करने से गलत कार्य संपादित हो जाता है, जिससे संसार में हंसी होती है और फलस्वरूप चयन और सम्मान नहीं मिल पाता है, और अपनी गलती मन में हमेशा खटकती रहती है, अफसोस होता रहता है। 5th प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। क में है, खटकत है जी अमां क्यों जो बिना विचारे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि का कहना है कि बिना विचारे गलत कार्य का अफसोस मन में बराबर होता रहता है। ख, पाउन निस्दिन चार सब रहत सब ही के दौलत। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का कहना है कि दौलत लोगों के पास 2-4 दिन ही रहता है, अर्थात धन संपत्ति लोगों के पास अस्थाई रूप से नहीं रहता है। 3rd है, ग, बिन गुण लहे न कोई सहस नरगाहक गुण के। अर्थात इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का कहना है कि बिना गुण वाले को लोग नहीं पसंद करते हैं, अधिकांश लोग जो है गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं, इसीलिए लोगों को गुणवान बनना चाहिए। इस प्रकार लिखित प्रश्नों का उत्तर हो गया, यानी पाठ 8 आज समाप्त हो गया है, अगले दिन पाठ 9 पढ़ाएंगे।